का टाइम हो जाता है तो गांव में कभी भी लेपट आ जाता है, इसलिए मैं चेतू को हमेशा ये पट्टा लगा के रखता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम माउंटेन किंग कर दिया है और मेरे साथ में इस समय माउंटेन का जो किंग है वो है, आप देख सकते हैं, ये है चेतू, मेरा गद्दी डॉग, बहुत ही प्यारा। ये ओरिजिनल डॉग की बात ही अलग होती है, मैं हमेशा कहता हूँ। लुक एट, ये आंखों में देखो इसकी, लुक एट द आइज, क्या शार्पनेस है, क्या तीखी आंखें हैं। और यहाँ पे अमूमन ये शाम को आता है और बैठा रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार लेपर्ड, सुंगूर बहुत ज़्यादा आता है, तो हमेशा यहाँ पे आएगा। सामने का ट्रिप का नज़ारा इधर से आता है पीछे उस जंगल पहाड़ियों से होते हुए, और ये रिकू भी यहाँ पे बैठा हुआ है। और यार उस इंसान को क्या हो सकता है, उसकी सुरक्षा का जिम्मे सोचो कितना मजबूत होगा जिसके दोनों तरफ डॉग बैठे होंगे। यहाँ से बैठा हुआ है रिकू और यहाँ से बैठा हुआ है चेतू। अब ये देखिए चेतू, ओए कितना बढ़िया हेड है ना इसका, देखो ये देखो कितना बढ़िया हेड है, कितना बढ़िया मजल है, एकदम बहुत बढ़िया, ना ज़्यादा लटके हुए हैं, बहुत सॉलिड है यार ये, मतलब इतना सॉलिड है ना, वजन इतना हैवी है ना इसका। ये पंजा दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये इसका पंजा है, ये इस प्रकार से पंजा हैवी पंजा है इसका। है भाई चेतू, हाई बोल दे जरा, हाई, बहुत प्यारा है मेरा बच्चा। और एक ही है मेरा बच्चा, प्यारा वाला बच्चा है ये, प्यारा बच्चा। इसको तो मालिश कर दो ना, खुश हो जाता है, जितनी मालिश करो उतना खुश हो जाता है, बस कुछ नहीं चाहिए इसको, खुश रहता है ऐसे मालिश करके। तो देखो मतलब ये इनका बैठने का तरीका, राइट हैंड में ये बैठा हुआ है और लेफ्ट हैंड में भाई साहब बैठे हुए हैं, और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ दिखेगा, और अगर गलती से कुछ दिख गया तो ये फिर भयंकर ही करते हैं, भयंकर ही भयंकर ही करते हैं। तो ये यार ये शाम का नज़ारा है, सामने का दृश्य दिखा देता हूँ, ये उधर की पहाड़ियाँ हैं, चिरबट्टे की पहाड़ियाँ, सामने की तरफ राजभंगा का डांडा, और ये देखिए। तो अमूमन मैं जब भी घर आता हूँ तो शाम को अपने डॉग्स के साथ में यहाँ पे आता हूँ विजिट करने के लिए, और काफ़ी देर यहाँ पे बैठता हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। एक तो बड़ा ठंडा ठंडा हवा गाँव में चलता है, और साथ साथ में दोनों डॉग्स के बीच में बैठना बहुत ही आनंददायक होता है। इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कुत्ते अगर आपके पास हो ना, तो घर में गांव में जब आप आते हैं ये प्रॉब्लम नहीं होता है कि अरे यार टाइम कैसे पास करूं, पता ही नहीं लगता यार, दिन भर भी अगर आप डॉग्स के साथ में छोड़ दो ना तो बड़ा मज़ा आता है, टाइम का पता ही नहीं लगता है कितना, मतलब आराम से आपका टाइम कट जाता है। देखिए, हाँ जी चेत्री जी, क्या ये बात। तो ये हैं दोनों भाई, रिखू और चेतू। ओए तो ये इस प्रकार से दिखता है मेरा चेतू, ये देखिए। ओए तो यार बस जैसे शाम का टाइम हो जाता है तो गांव में कभी भी लेपट आ जाता है, इसलिए मैं चेतू को हमेशा ये पट्टा लगा के रखता हूँ, और क्योंकि रिखू तो हमेशा मेरे पास ही बैठा रहता है, कभी नहीं जाता ज़्यादा दूर छोड़ के, लेकिन ये है ना ये उधर जंगलों में घुस जाता है, तो इसलिए इसको चेतू जरा इसलिए इसको पट्टा लगाना पड़ता है। और अगर आप करते हैं इन पहाड़ी डॉग से प्रेम करते हैं, पहाड़ों से प्रेम करते हैं भाई जी, प्लीज़ लाइक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आजकल व्यू बहुत कम आ रहे हैं तो थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप भी चाहते हैं हम इस इंडियन ब्रीड को, जो सबसे पुरानी इंडियन ब्रीड है, क्योंकि इसी ब्रीड का महाभारत के टाइम पे भी इसका उल्लेख किया गया है कि जब पांडव लोग सतोपन से स्वर्ग गए थे स्वर्गारोहण की, और उनके साथ एक कुत्ता भी गया था, तो वो भोटिया कुत्ता होता था। तो ये भोटिया जो ब्रीड है इंडिया की सबसे पुरानी ब्रीड है, और सबसे लॉयल ब्रीड है, सबसे वफादार ब्रीड है, सबसे जानदार ब्रीड है, बेखौफ, दमदार, जबरदस्त, ये कम खर्चे में अच्छा माइलेज देने वाली गाड़ी है, उसकी तरह है ये। तो थैंक यू सो मच गाइज देखने के लिए।